झोला छाप डॉक्टर के बारे में अपना पंचे सबे जानी थे कि बंगाली डॉक्टर जे के पास न कोनो डिग्री रहे न डिप्लोमा रहे, इ महज एक चिकित्सा के प्रोसेस के जानकारी के चलते जो है एक आम लोगन के जिंदगी से खुलेआम खिलवाड़ कह रहे हैं। ऐसा एक मामला सीधी के चौराहट से है जहां खुलेआम झोला छाप डॉक्टर के आतंक सामने आवा है। विंध्य क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल महम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सबे जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थी बेहद बड़ी खबर के। हमारे साथ चल रही तस्वीर में साफ तौर में अपना देखा थो कि झोला छाप डॉक्टर खुलेआम अपन क्लिनिक संचालित कहे हैं, न इनके पास कोनो डिग्री है न डिप्लोमा है। ऐसा लगभग आधा दर्जन जो है झोला छाप डॉक्टर के जो है रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है, जिनके पास कोनो में के अनुभव से लई के जिम्मेदारी के या फिर पढ़े लिखे हो के गारंटी नहीं आए, किंतु ये जो है लंबी और मोटी रकम चौराहट जैसा क्षेत्र से गरीबन का धोखा दे के आम आदमी का धोखा दे के कमाए रहे हैं। प्रशासन सोए रहा है और लगभग लगभग हर मामला में सोबर रहा है, किंतु मीडिया के काम आए जो चौथा स्तंभ कहा जात है कि जगाऊ, किंतु इतना कुछ जगाए के बाद यदि प्रशासन नहीं जागता है तो अपना खुद कल्पना कर ले कि कहां ना कहां प्रशासनिक साठगांठ के चलते यह पूरा अवैध व्यापार जो है फल फूल रहा है। खुलेआम झोला छाप डॉक्टर का, डॉक्टर इनका ना कहा जाए, झोला छाप बंगाली का खुलेआम जो है प्रशासन के संरक्षण प्राप्त है, जौने से यह पूरा अवैध व्यापार फल फूल रहा है और लोगन के जान के साथ खुलेआम खिलवाड़ की जा थी। काहे कि यदि मेडिसिन के बात की जाए, दवाइन के बात की जाए, तो दवाइन के एक मानक होत है और एक तय सीमा मतलब एक उम्र सीमा में दवाइन का दिन जात है, किंतु ये तो झोला छाप डॉक्टर सालन से दसन सालन से चौराहट में आपन आतंक फैलाए हैं और वह आतंक के चलते आम आदमी अपने जान माल से हाथ धो रहा है। जेकर प्रशासन के कान में जू तक नहीं रह गए तो सबसे बड़ी बात कि मेन चौराहट बाजार में आधा दर्जन से ज्यादा झोला छाप डॉक्टर हैं। हम तो एक ऐसा झोला छाप डॉक्टर के दिखाई ला है जो आगे श्रृंगार के दुकान चूड़ी तरकी के दुकान खोले है और पीछे कह रहा है अपने जो है यह क्लिनिक माँ पीछे बनाए है क्लिनिक और वहां कह रहा है लोगन के दवाई और उपचार कह रहा है, जो एक बेहद संगीन जुर्म के साथ साथ एक अपराध हुआ है। ये अपराध में आखिर काहे सीधी जिला के प्रशासन के नजर नहीं जाए, काहे सीधी जिला के एक जिम्मेदार के नजर नहीं जाए जो यह बात के सुनिश्चित कह सके कि आखिर इनका कुछ परमिशन दे है कि लोगन के जान के साथ खुलेआम खिलवाड़ करें। सवाल बेहद बड़ा है कि बिना प्रशासन के संरक्षण के ऐसा अवैध व्यापार फल फूल नहीं सके, किंतु ये अवैध व्यापार करे वाले झोला छाप बंगालिन के ऊपर आखिर नकेल को कसी को है जिम्मेदार इनके फल फूल देखी तिर मतलब इनका बढ़त देखी तिर को है जिम्मेदार। बेहद बड़े सवाल और जनता मांग रही जवाब। ऐसे प्रशासन यह बात का सुनिश्चित करे कि का आम जनता अब झोला छाप के भरोसे रहे या फिर एक सरकारी संस्थान जहां एक अनुभवी डॉक्टर जिनसे इलाज कराए के जनता अपने जान माल की सुरक्षा कह सका थी या फिर इनसे लुटे का मजबूर हो। आखिर यदि अवैध है तो इनका काहे नहीं वह जगह से हटावा जाए, काहे नहीं इनके ऊपर कड़ा से कड़ा दंड दिया जाए, काहे नहीं इनका कार्यवाही की जाए। सवाल बहुत सारे हैं, किंतु प्रशासनिक साठगांठ के चलते और चंद रुपया के चलते जो इनसे कमीशन के तौर पर विभाग के आला अधिकारी ले रहे हैं ओके चलते जो है आम आदमी के जान के सौदों कह रहे हैं, जो एक बेहद दुखद बात है, दुर्भाग्यपूर्ण बात है, दर्दनाक बात है। ऐसे अपना यह बात के आवाज बनी और सीधी के चुरहट के आवाज बुलंद करी झोला छाप बंगाली डॉक्टर के खिलाफ। कहे कि सीधे यमराज आही यमराज ऐसा आही कि इनके लगे ना अनुभव आए ना इनके लगे कौनो ऐसा दवाई रहे न जानकारी रहे, ये केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ पैसा लूट के अंदर बनाए के रखा थे और महज एक जो है सीधी दवाई न दई के ओका दे थे मौत। और ऐसा कई एक मामला आ चुके हैं, चाहे सीधी के मामला देख ली,
चाहे एक अबे अमिलिया के मामला आवा रहा जो उन्हें झोला छाप डॉक्टर के वजह से एक लड़का के नौजवान के मौत हो गई रही, तो निश्चित तौर पर इनके लगे कौनों जानकारी नहीं आए। ऐसे आपन और अपने परिवार के यदि ख्याल रखा है तो ये झोला छाप डॉक्टरन के सहारा न ले, प्रशासन अपन काम करे चाहे न करे, किंतु थोक 10-20 रुपये लगाए के सीधी यही जिला चिकित्सालय में मुफ्त इलाज ले, डॉक्टरन सलाह ली, किंतु ये झोला छाप के यदि चक्कर में फंस गए तो अपना के जान उमार दोनों का बेहद बड़ा खतरा है। अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब, धन्यवाद, प्रणाम। सुनी दो चार लोगन के अच्छा हाँ। एक बार सुने रहे छापा पड़ा रहा है, यहाँ छापा की जानकारी तो मुझे ज्यादा नहीं है। हाँ हाँ मैं यहाँ रहता नहीं। तो अभी ये कब से खुली है?